HNBUMU BSc Nursing JNM ANM Paramedical Third Council 2023 आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है, कब तक उनका अलॉटमेंट लेटर आएगा, कब तक एडमिशन की डेट है, और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस नहीं मिला है उन स्टूडेंट के लिए अब कौन सी काउंसलिंग होने वाली बाकी है, सीट अपग्रेड के रिगार्डिंग जिन स्टूडेंट ने किया था हुआ है या नहीं हुआ है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। सो वीडियोस को लास्ट तक देना स्टूडेंट, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तमाम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कल ही डिस्कस कर लिया था, आपने बुलेटिन जो बोर्ड होता है मेरा यूट्यूब चैनल का वहाँ पर आपने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देख ली थी। सबसे पहले बात करेंगे जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस मिल चुका है। ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि मेरा नाम आना चाहिए, मेरी रैंक के अकॉर्डिंग या मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से सीटें खाली थी मुझे वो कॉलेजेस मिलना चाहिए था, और आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप ukenursingpara@gmail.com पर आज 11 बजे से पहले पहले मेल कर सकते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, आपका जो अलॉटमेंट लेटर है आज ही पब्लिश होगा, वो लगभग 2 या 3 बजे तक या 2 या 3 बजे के बाद पब्लिश हो जाएगा। मैं तमाम स्टूडेंट से रिकमेंड करूँगा आप लॉगिन करना, ये जो ऑप्शन देख रहे होंगे आप एप्लीकेंट लॉगिन का, जैसे आप लॉगिन करेंगे जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस मिला हुआ है या जिनकी सीट अपग्रेड हुई है, एप्लीकेंट लॉगिन में रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर शो कर दिया जाएगा, और वहीं पे मेंशन होगी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है, डेट बढ़ के आई होगी स्टूडेंट, 3 से 4 दिन आपको टाइम मिलेगा, वो जब आप अलॉटमेंट लेटर आएगा वहाँ पे वो डेट शो कर देगा। सो डोंट बी पैनिक रिगार्डिंग लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट सीट अपग्रेड के रिगार्डिंग, जिन स्टूडेंट की सीट अपग्रेड नहीं हुई है, उन्हें प्रीवियस कॉलेज रिटर्न हुआ है, तो उन स्टूडेंट को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी नहीं करना है जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था। बाकी जिन स्टूडेंट की सीट अपग्रेड हुई है, सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट, आपका जैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा आपको उस अलॉटमेंट लेटर को लेके जो प्रीवियस कॉलेज जहां आपने एडमिशन कराया वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे सीट कैंसिलेशन करना है। सीट कैंसिलेशन के बाद ही आप नए कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहां पे फीस आपको रिफंड हो जाएगी स्टूडेंट, और 2000 रुपये की कटौती वो करते हैं आपकी फ़ीस से। मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। तो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे सर बाई चांस मेरी सीट अपग्रेड हुई है मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ तो क्या होगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें स्टूडेंट। जो कॉलेजेस आपको सीट अपग्रेड के बाद एलोटेड हुए हैं आपको 100% वहाँ जाना होगा, पहले आपको पहला कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से सीट कैंसिल करनी होगी। अब अगर आप यहाँ पे नहीं लेते एडमिशन तो आपकी दोनों सीट यहाँ पे निरस्त हो जाएगी, तो ऐसी गलती मत करें स्टूडेंट, ये लास्ट मौका आपके पास ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन का होने वाला है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप एडमिशन ले लेना। अब बात करते हैं जिन्हें कॉलेजेस नहीं मिला है, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। सो डोंट बी पैनिक स्टूडेंट जिन्हें कॉलेजेस नहीं मिला है, इसके बाद एक और काउंसलिंग होगी लेकिन वो ऑफलाइन बेस पे होगी, मैं आगे आने वाले दिनों में उसके रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से वो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी प्रीवियस ईयर में। और बाकी जिन स्टूडेंट की सीट अपग्रेड नहीं हुई है उन स्टूडेंट से मैं यही रिकमेंड करूँगा, अब आपके पास कोई भी मौका सीट अपग्रेड का नहीं है स्टूडेंट, ये लास्ट मौका था आपके पास सीट अपग्रेड का, अब आपको जो कॉलेजेस मिला है वहाँ पर आपको पढ़ना ही होगा। बाकी जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस नहीं मिला उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्यों गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब जो सीटें वैकेंट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट के लिए रहेगी, बाकी जिन स्टूडेंट को सीट अपग्रेड के लिए आवेदन करेंगे वो अब आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो ये काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। आगे आने वाले दिनों में मैं इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा कहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल है, सीट कितनी अपग्रेड हुई है, सो डोंट बी पैनिक स्टूडेंट। और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस किया है, 10, 12 TCCC, अगर आपके 12th के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, CC आपका लेटेस्ट होना चाहिए 6 मंथ का, और इसके अलावा मैंने काफ़ी बात बताया मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका CMO के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनता है, बाकी मैंने एंटी रैकिंग के रिगार्डिंग बताया 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे पेरेंट्स और स्टूडेंट आप दोनों का बनेगा, बाकी डिमांड ड्राफ्ट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर मैंने काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, प्रीवियस की वीडियोज़ में देख सकते हैं, वहाँ PDF में आपको प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। अनदर क्वेरी तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।